मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सीएम किसान योजना की पहली किश्त गुरुवार को जारी कर दी, जिसके लिए प्रदेश भर के 7 लाख किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। वहीं रायसेन जिले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रदेश की शिवराज सरकार को किसान हितैषी बताते हुए जमकर तारीफ की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान लाइव संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 7 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ की राशि डालकर किसानों को हित लाभ पहुँचाया। वहीं रायसेन जिला मुख्यालय के सागर तिराह स्थित वन परिसर में लाइव संवाद के इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी एवं विधायक रामपाल सिंह ठाकुर से ऑनलाइन संवाद करने के साथ ही किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेवशनी के किसान वीर सिंह पटेल से लागू की गई किसान योजनाओं के बारे में बातचीत की। पूरे किसानों के खातों में राशि डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अद्भुत काम किसानों के हित में किए हैं पूरे देश में, आज किसान खुशी और गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जहाँ तक विरोधी संगठनों की बात है, कमी निकालना, किसानों के हित में अगर कोई काम सरकार निर्णय ले रही इसकी उनको सराहना करना चाहिए। बाकी इसमें कमी निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। किसानों के हित में बहुत अच्छा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दे रहे हैं। रायसेन जिले के हमारे क्षेत्र के किसानों की तरफ से भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। आज का दिन किसानों के उत्साह और उमंग का दिन है, खुशी का दिन है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से बधाई दे रहे हैं और इस तरह जो विरोध के सुर निकाल के किसी भी चीज़ में कमी निकालने का काम कर रहे हैं उनको भी सलाह दे रहे हैं कि आपने किसानों के हित में कोई काम किया नहीं, अब ये कमी निकालने का आपको अधिकार नहीं। जो लोग जा रहा है आपसे लसबंदी के जो ऑपरेशन शुरू हो गए हैं और सुबह 8 बजे से मरीजों को बुला लिया जाता है और 3-3, 4-4 बजे तक उन्हें बिठाया जाता है, इसके बाद फिर ऑपरेशन शुरू होते हैं, ऐसा क्यों? अब आपने जानकारी मांगी, मैं विभाग से बात करूंगा कि 8 बजे बुलाया जाता है, उनकी जांच की जाती होगी। अब मैं जानकारी लेकर डॉक्टर ही 3 बजे पहुँचा। सुल्तानपुर का मामला है। सुबह कल 8 बजे बुलाया था मरीज़ों को और लगभग 20 से 25 महिलाएँ वहाँ पहुँच गई थी और डॉक्टर वहाँ 3 बजे पहुँचे। मैं इसकी जांच करूँगा। ऐसे जिले में डॉक्टर साहब, ये किसानों का जो सम्मेलन हुआ है, किसान क्या हुआ है, इसके बारे में बता दें। आज का क्या कार्यक्रम था? जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के खाते में 1 साल में 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि डालते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में 4,000 और बढ़ाकर 10,000 रुपये 1 साल में किसान के खाते में किसान सम्मान निधि जाएगी, उसका आज शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 100 करोड़ रुपया 5 लाख किसानों के खातों में आज डाला गया है। 2,000 रुपये की पहली किस्त उनको दी गई है और आगे ये योजना लागू मध्य प्रदेश में हुई है, वह हमेशा किसानों के खातों में हर साल 10,000 रुपये पहुँचेंगे। अच्छा, रायसेन जिले के कितने किसान नामित? रायसेन जिले के 1,54,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे और उनका अभी 1,25,000 का पूरा वेरिफिकेशन हो गया है, बाकी बच्चों को उनका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। सब कुछ किसान सम्मान की बात है, किसान कोरोना योद्धाओं का भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के मिट्टू हॉल में वहाँ पर सम्मान किया गया था, जो पहले ही वहाँ पर आयोजन किया गया था हमारे दोनों मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। और तलब है कि इस योजना के माध्यम से हर साल 77 लाख किसानों के खातों में 10,000 रुपये डाले जाएंगे। बता दें कि इसमें 6,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से होंगे और 4,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में डालेगी। रायसेन से कलीम खान की रिपोर्ट।